हेलो एवरीवन, आजकल हमें कुछ भी सीखना होता है या नहीं समझना होता है तो हम यूट्यूब में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। या मेरी तरह, मेरा तो 2 साल में एलेक्सा ने बहुत मेरा मन बहलाया है। उसके साथ बातें करती हूँ, उससे छोटे छोटे काम पूछती रहती हूँ, कर भी देती है। तो जैसे कहती हूँ, एलेक्सा किचन लाइट ब्लू, तो कलर चेंज कर देती है। बस इसी तरह मेरी बात मान लेती है। मगर कितना समय टाइम पास जिसे कहते हैं। मगर पहले क्या होता था, हम लोग बड़े बुजुर्ग जो हमें सिखाते थे, कहानियों के माध्यम से भी सिखाते थे, तब ये सब चीजें नहीं होती कि हम लोग गूगल, मैं खुद ही नहीं सीखी हुई और जाके जानने लगी। तो वो हमें अब भगवान के नाम की छोटी छोटी कहानियों से हमें बहुत कुछ सिखाते थे। ऐसी एक गणेश जी की यार बहुत प्यारी सी कहानी आपसे शेयर करूंगी, पूरी सुनिएगा, अच्छी लगेगी। उन्हें आंखों से बहुत कम दिखता था, अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहती थी। एक दिन उन गणेश जी की बहुत भक्ति थी। गणेश जी स्वप्न में आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांगो। सब बोले क्या मांगू, फिर कोई दिन मांगूंगी। लेकिन फिर मन में आया, गणेश जी बोल ही रहे हैं तो पूछो क्या मांगू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बोली गणेश जी आप जीवन तो दे नहीं सकते, नहीं तो अपना सुहाग मांग लेती, तो क्या मांगू सोच के बताऊंगी। दूसरे दिन अपने बेटे से पूछती है, गणेश जी सपने में आए क्या मांगना चाहिए। बेटा तुरंत बोला, अरे माँ इसमें पूछने की क्या बात है, बहुत सारा धन मांगो। तो अपने लोग भी एकदम साधारण जिंदगी जीते जीते परेशान हो गए, बहुत से जिएंगे। बोली बेटा बोल तो रहे सच बात। बहू के पास गई, बोले बहू गणेश जी बोले कुछ मांगो, क्या मांगना चाहिए। बोले इसमें सोचने की क्या बात है, माँ जी पोता मांगो, आपको भी आराम से बुढ़ापा, उसके साथ खेलना और हम लोगों को भी बच्चा मिल जाएगा। बोली बहू भी बात तो सही बोल रही है। और उस बुजुर्ग महिला के एक ही बहुत प्रिय सहेली थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, उससे मिली तो उसे कहा कि अरे ऐसे औरों से तो नहीं बोलती घर में। बोली अब तुमसे पूछती हूँ, गणेश जी मांगने बोल रहे, क्या मांगना चाहिए। तो बोली अरे बुद्धू दोनों अपने अपने स्वार्थ की बात बोल रहे हैं, बेटा भी बहू भी, तुम अपने लिए मांगो, तुम्हारा जीवन अभी जो बाकी है, तो तुम अपनी आंखें बोलो मेरी आंखें स्वस्थ कर दो ताकि मैं पूरी दुनिया घूम सकूं, आराम से रह सकूं। उसने मन में सोचा ये भी कितनी निस्वार्थ भाव से अपने लिए कुछ नहीं मांगी, सिर्फ मेरे लिए बोल रही है। घर आई, सोचने लग गई क्या मांगना चाहिए। सोचती कि ऐसा क्या मांगू कि सबकी इच्छा भी पूरी हो जाए। सो गई। गणेश जी फिर आए, बुढ़िया माई सोचा कुछ मांगी। बोले हाँ महाराज, अब आप बोल रहे हो तो दे दो। बोले क्या। बोले कि सोने की कटोरी में मेरे पोते को मैं खीर खाते देखूं। गणेश जी मुस्कुराए, बोले अरे वाह बुढ़िया भाई, सुबह तक तो कुछ मांगना नहीं आ रहा था। बोले क्या मांगू, आज सबके विश मिला के सबकी और एक साथ मांग लिया। बोले अरे हाँ महाराज, आपको कैसे है। बोले मुझसे कुछ छिपा हुआ है, बेटे की भी इच्छा पूरी हो गई, धन भी आ गया, क्योंकि धन होगा तभी सोने की कटोरी, बहू पोता होगा तभी, पोता होगा तभी तुमसे खेलोगी और देखोगी तभी जब तुम्हारी आंखें होगी। तो तीनों की इच्छा मिला के एक विश मांग ली। जरूर तदास्तु, तुम्हें तीनों चीजें तुम्हारी मिलती है। फ्रेंड्स, ये कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। शायद यही कारण है कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में कहती हूँ कि सिर्फ कानों पर सुनी हुई बात के कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, कोई अच्छी सीख हो तो जरूर लेनी चाहिए। आप देखिए, इस कहानी ही हमें सिखा देती है कि किस तरह तीनों ही भले थे लेकिन उनकी विश एक दूसरे को मिला के खुद का एक दिमाग लगाया बुजुर्ग महिला ने, और सबकी बात मान के एक अच्छा सा अपना जीवन के लिए, आगे का जीवन जो सुखमय हो, वो रास्ता चुना। और विश्वास तो होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे थॉट्स, मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। Till then, keep watching. Stay safe. Jai Sri Ganesh.